बॉलीवुड डायरेक्टर संजय लीला भंसाली ने फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी का काम पूरा कर लिया है। फिल्म की शूटिंग से लेकर इसकी एडिटिंग समेत सारी चीजें लगभग पूरी हो चुकी हैं और अब संजय लीला भंसाली इसे रिलीज करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। गंगूबाई काठियावाड़ी को रिलीज करने के बाद संजय लीला भंसाली अपनी नई फिल्म बेजू बावरा की प्लानिंग शुरू कर देंगे। यह डायरेक्टर संजय लीला भंसाली का ड्रीम प्रोजेक्ट है जिसे वो काफी लंबे समय से बनाने का सोच रहे हैं। अगर ताजा रिपोर्ट की माने तो डायरेक्टर संजय लीला भंसाली की बेजू बावरा की कास्टिंग चल रही है जिसमें लीड रोल के लिए रणवीर सिंह लगभग फाइनल हो चुके हैं। जहां तक हीरोइन की बात है तो सुनने में आ रहा है कि इसके लिए आलिया भट्ट और दीपिका पादुकोण में रेस लगी हुई है। दीपिका पादुकोण ने डायरेक्टर संजय लीला भंसाली के साथ बाजीराव मस्तानी और रामलीला जैसी फिल्मों में काम कर चुकी है। ये दोनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट रही थी। दीपिका पादुकोण चाहती हैं कि संजय लीला भंसाली बेजू बावरा जैसी ब्लॉकबस्टर मूवी भी उन्हीं के साथ बनाए। हालांकि आलिया भट्ट की निगाहें भी इसी फिल्म पर हैं। आलिया भट्ट और संजय लीला भंसाली ने हाल ही में ही गंगूबाई काठियावाड़ी खत्म की है। इस फिल्म को लेकर दर्शकों में अच्छा उत्साह दिख रहा है। आलिया चाहती है कि गंगूबाई काठियावाड़ी के बाद उनके हाथ संजय लीला भंसाली की बेजू बावरा भी लग जाए। रिपोर्ट की माने तो आलिया भट्ट ने बेजू बावरा की स्क्रिप्ट पढ़कर ये तक बोल दिया है कि वह ये फिल्म फ्री में भी कर सकती। अब देखना होगा कि संजय लीला भंसाली आलिया भट्ट और दीपिका पादुकोण में से किस हीरोइन को फिल्म बेजू बावरा में चांस देते हैं।